कान्हा माने नाम, शुभ मंगल सावधान मूवी का है और इसके स्टार्टिंग स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैंने मपना ड्राइव सॉन्ग सिखाया था, मुझे पूरी उम्मीद है वो बच्चों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा और अब मैं ये नया सॉन्ग शुरू करने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले मैं इसका कुछ भाव आपको बताऊंगी। ये कान्हा का सॉन्ग है और इसमें जैसे माखन चोरी का उनका एक एपिसोड है, माखन चोरी का भाव आज हम दिखाएंगे। यशोदा जी बड़ी परेशान रहती थी कि कन्हैया इतने शैतान और चालाक थे कि यशोदा जी जहां भी अपना माखन का मटकी छुपाती थी वो चुरा लेते थे और अपने दोस्तों में बांट देते थे। तो यशोदा जी बड़ी परेशान रहती थी और उनका यही भाव कि वो किस तरह से शिकायत करती हैं, ये हम आज आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कुछ टाइम बाद एक पायल की आवाज आती है, उसके साथ हम शुरू करेंगे। पायल की आवाज के साथ ये मेरा राइट साइड है, राइट हैंड आगे है, लेफ्ट हैंड पीछे और टू पे उठ के हम हल्का सा ऐसे लेकर आएंगे। ओके, तो कैसे हुआ, 1 2 3 4 5। उसके बाद गाना शुरू होता है हमारा ऊंची ऊंची डोरियों से बांधी रे गगन। तो ऊंची ऊंची डोरी मतलब ऊंची ऊंची ऐसे दिखाएंगे, 1 2 3 4, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ओके, ऊंची ऊंची डोरियों से बांधी, अब हम बांधी जैसे हमने कोई चीज ऐसे करके खींच दी, बांध के डोरी। ठीक, ये आप लेफ्ट साइड करेंगे और राइट हैंड से डोरी खींचेंगे। तो कैसे किया हमने, डोरी खींची ऐसे और नीचे से मटकी उठा के हमने ऊपर रख दी, ऊपर कहाँ रख दी, जिससे कि कृष्ण ना पहुंच पाए। तो पहले के टाइम में छीके चलते थे, वो हमने उसके ऊपर रख दिया, यानी यशोदा जी ने मटकी उसके ऊपर रख दी। तो फिर से देखिए एक बार, पहला स्टेप हुआ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, रख दिया। अब आया ऊंची ऊंची डोरियों से बांधी रे गगर। अब यहां से लेफ्ट हैंड अप करके हम घूमेंगे और कान्हा माने नहीं, माने ना। ओके, फिर इसके बाद कान्हा, कान्हा का हम जो साइन बनाते हैं वो ज्यादातर मुरली का बनाते हैं। ये मेरी राइट साइड है, मैं लेफ्ट हैंड को ऐसे बनाऊंगी और ये मेरा राइट हैंड करेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड मेरा लिप्स के पास रहेगा और ये इधर, क्योंकि मुरली बजाते हैं। तो कान्हा ऐसे खींचेंगे, कान्हा कैसे खींचते हैं, कान्हा माने ना, माने मतलब हम कुछ कह रहे हैं और वो नहीं मान रहे। ठीक है, तो यही चीज अब मैं आपको म्यूजिक के साथ दिखाती हूँ। ऊंची ऊंची डोरियों पे बांधो रे गगर पर ना माने ना, कान्हा माने ना। जग जो बिछाए, तो इसके आगे आता है जग जो बिछाए। जग जो बिछाए मतलब पहले हमने किया माने ना, एक राउंड लिया, उसके बाद जग जो बिछाए हर जाल। ठीक है, ये जाल आ गया, फिर से देखो, जग जो बिछाए हर जाल काट दे, काट दे, क्योंकि वो सारी जितने भी यशोदा जी हमारी यत्न करती थी उनसे छुपाने के, वो सब वो उनके सामने चलते नहीं थे कृष्ण जी के सामने और वो चुरा लेते थे। तो जग जग जो बिछाए हर जा काट दे। ओके, अब मक्खन चुराए, मक्खन चुराए में हम ऐसे मटकी बनाएंगे। देखो फिर से मटकी ऐसे बनाई, इसमें से मक्खन खूब सारा लिया, चम्मच तो होती नहीं थी तो हाथ ही भर भर के खाते थे और ऐसे चाटते थे। ठीक है, कैसे, मक्खन चुराए, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा लग गया मुंह पे तो पोंछते हैं। ठीक है, मक्खन चुराए। ठीक है, तो हर बार छाट दे, सबको बांट दिया, छाट दे। ठीक है, ऊंची ऊंची डोरियों पे बांधो रे गगर पर ना।
इसके बाद आता है मुरली से करे ऐसी ट्रिक। तो फिर से मुरली बनाएंगे, मुरली से करे ऐसी, दो राउंड लेंगे, मुरली से करे ऐसी ट्रिक टिक टिक टिक। ओके, तो ट्रिक ट्रिक कैसे हुआ, एकदम लेफ्ट पैर के साथ ये राइट, ये लेफ्ट हैंड आया, टिक 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 टिक। ठीक है, तो एक बार और हम म्यूजिक पर देखते हैं। ऊंची ऊंची डोरियों पे बांधोगे घर पर दम, माने ना गाना, माने ना जग जग जाए हर जाल काटले, मक्खन चुराए हर माल छाटले, मुरली से करे ऐसी टिक 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 टिक, पन घट किया बड़ी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, पहला एपिसोड मेरा यहीं तक रहेगा क्योंकि बच्चे फिर धीरे धीरे सीखते हैं। ओके, तो आगे का मैं नेक्स्ट आपको सेशन में सिखाऊंगी।